हेलो फ्रेंड्स, द रश्मि कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पत्ता गोभी के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने पत्ता गोभी लिया है काटकर, प्याज ली है, मिर्ची ली है, बेसन लिया है, उसमें सौंफ को डाला है हाथ से मसलकर। जो हमारा कटा हुआ प्याज रखा था, मिर्ची रखी थी, उसको भी बेसन में मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारा जो पत्ता गोभी कटा हुआ रखा है उसको अच्छे से मिलाएंगे, सारा पत्ता गोभी डाल देंगे। दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। हमने पत्ता गोभी ले लिया है पूरा और इसको बेसन में मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें हमारा कलौंजी डाला है मैंने, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची ली है मैंने हल्की सी, आप जैसे तीखा रखना चाहें वैसे रख सकते हैं इसको। स्वादानुसार नमक लिया है। इन सबको आप अच्छे से मिक्स, अगर हरा धनिया हो तो आप वो भी डालें, मेरे पास नहीं था तो इसलिए भी नहीं डाला है। और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें इसको कितना थिक रखना है। अगर एकदम से पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा, फिर इसके पकौड़े सही से नहीं बनेंगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके बनाएं। देखिए, हमने कुछ इस तरह का रखा इस बैटर को, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। आप देखिए, मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है ऊपर से, अगर आपको कड़ी पत्ते का टेस्ट अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं। और अजवाइन को मैंने ऊपर से डाला है, इसमें कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तेल में फ्राई करें। मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको अच्छे से गर्म करके इसको फ्राई किया है। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से इसको पलट पलट कर थोड़ा कुरकुरा होने तक सेक लें। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, आपको जो पसंद आए उसके साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स, और सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी और बड़ों को भी। मैंने नारियल की चटनी के साथ इसको लिया है, आप हरी चटनी के साथ भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं हमारे पकौड़े। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।